हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। अंबाला में बेकाबू होती कोरोना की सिचुएशन को काबू में करने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से सजग है। कोरोना की दूसरी लहर और उस पर बढ़ती लोगों की लापरवाही से प्रशासन की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। लगातार बढ़ रहे संक्रमण की सबसे बड़ी वजह आज लोगों की लापरवाही को माना जा रहा है। प्रशासन की ओर से अपील करने के बावजूद कुछ लोगों में जागरूकता कम दिखाई दे रही है। ऐसे में अंबाला के उपायुक्त और एसपी ने खुद बाजारों में उतरकर मोर्चा संभाला। इसके तहत उपायुक्त और एसपी ने बाजारों और मॉल्स का निरीक्षण किया और मौके पर संस्थानों के मालिकों और स्टाफ समेत आम जनता को कोविड संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने बताया कि अंबाला में सख्ती के साथ सरकार की गाइडलाइंस का पालन करवाया जाएगा, जिसके लिए अधिकारियों ने दुकानों और बैंकों का भी निरीक्षण कर लापरवाह लोगों को चेतावनी दी है। देखिए, हमने बड़े शोरूम्स का, बैंक्स की बिल्डिंग्स का और जो कंजस्टेड बाजार हैं या होलसेल मार्केट्स हैं या मल्टी स्टोरी शोरूम्स हैं, उन सभी का निरीक्षण किया है। और अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर उनमें सभी मास्क पहने हुए मिले हैं और सभी को कहा गया है, चेतावनी भी दी गई है कि बगैर मास्क के अगर कोई उनका एम्प्लॉई या कोई कस्टमर या बैंक्स के अंदर भी ऐसे ही कोई एम्प्लॉई या कस्टमर मिलेगा तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। मास्क के जो चलान हैं वो स्ट्रिक्टली हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं इस रिगार्डिंग कि मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें ताकि कोविड से बचा जा सके। दूसरा, जो नाइट कर्फ्यू का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, सारे SHOs के थ्रू और सिविल अथॉरिटी के साथ मिलके एक जो अनाउंसमेंट वाला सिस्टम होता है वो हमने करा रखा है पब्लिक को अवेयर करने के लिए।